Good morning students, today we are going to start here exercise 10.3 question number 9, okay? So the question is saying that 5 square flower beds each of side 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? The question is here saying that it is here 5 square flower bed. That means यहाँ पे आपके पास 5 flower beds हैं, okay? और हर एक flower bed का आपको side given है, तो side है यहाँ पे 1 meter, okay? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे piece of land मतलब ज़मीन के कुछ हिस्से को dug करना है, गड्ढा करना है, which is 5 meter long and 4 meter wide. जो यहाँ पे 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर यहाँ पे वाइड है, ओके? दैट मीन्स हेयर व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड. अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो रिमेनिंग पार्ट है ज़मीन का वो कितना है, ओके? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ फ्लावर स्क्वायर बेड, ओके? सपोज दिस इज योर फ्लावर बेड, ओके? ये आपका क्या है, एक फ्लावर बेड है, ओके? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, हर साइड क्या है, 1 meter है, 1 meter, 1 meter एंड 1 meter. दिस इज़ बिकॉज इट्स अ स्क्वायर बेड. ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर बेड है, ओके? तो हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो एरिया ऑफ फ्लावर स्क्वायर बेड इज इक्वल टू 1 × 1, दैट इज 1 meter square, ओके? ये आपका एक फ्लावर बेड का एरिया आया है, ओके? नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ 5 फ्लावर स्क्वायर बेड. अब यहाँ पे 5 फ्लावर स्क्वायर बेड का एरिया कितना होगा, 1 × 5, दैट इज 5 meter square. ये आपके 5 फ्लावर स्क्वायर बेड का एरिया है, ओके? नेक्स्ट इज एरिया ऑफ लैंड. अब आप क्या करेंगे, फ्लावर स्क्वायर बेड का तो एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया है ना, अब आपको फाइंड आउट करना है लैंड का एरिया, ज़मीन का एरिया जितना आपको डग करना है, गड्ढा करना है, ओके? सो द फॉर्मूला इज हेयर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ओके? सो लेंथ इज हेयर 5 meter एंड विड्थ इज हेयर 4 meter. सो वी गेट हेयर आंसर 20 meter स्क्वायर. 5 × 4 = 20, ओके? 20 meter square. We are finding here areas. Okay. So area will be here in form of meter square. Okay. So next, what we have to find here? The remaining part of the land. यहाँ पे हमें क्या पता करना है? Remaining part, ज़मीन का जो बचा हुआ area है. जब हमने ये जो सारे flower square beds को जब हमने ये suppose ये आपका क्या है? ये आपका एक लैंड है, ओके? ये आपका ज़मीन है जिसमें आपको क्या करना है, डग करना है. डग करेंगे आप कितना, 5 meter एंड 4 meter. 5 meter लॉन्ग आपको डग करना है और 4 meter वाइड आपको डग करना है, ओके? गड्ढा करना है. तो जब आप इस स्क्वायर बेड को यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, आपने कितने स्क्वायर बेड को यहाँ पे पुट किया है, 5 meter स्क्वायर बेड को, और टोटल आपने कितना डग किया है, 20 meter स्क्वायर को, ओके? दैट मीन्स ये जो 5 meter स्क्वायर है वो आपका सपोज यहाँ पे आ गया है, इस पोर्शन में फिल्ड हो गया. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग पोर्शन मतलब कितना पोर्शन बचा है, कितना जगह बचा है आपके लिए, ओके? सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, तो यहाँ पे बचा हुआ हिस्सा कितना है बेटा, इसके लिए आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ लैंड मतलब टोटल जो ज़मीन है, ज़मीन का टोटल एरिया कितना है, उससे आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ 5 square bed. दैट मीन्स ये आपका जो 5 square bed है उससे आप माइनस करेंगे. सो एरिया ऑफ लैंड इज हेयर 20 meter स्क्वायर, ओके? एंड वी सब्सट्रैक्ट हेयर बाय −5 meter स्क्वायर. वी गेट हेयर आंसर 15 square meter. ओके, देयरफोर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज 15 meter स्क्वायर. दैट मीन्स द रिमेनिंग पोर्शन, दिस इज यूअर रिमेनिंग पोर्शन. ये आपका क्या है बेटा, ये आपका रिमेनिंग पोर्शन है. तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना है यहाँ पे, 15 meter स्क्वायर, ओके? थैंक यू.